सेंटर पे भूख लगा सकते हैं, पूरे महीने का हिसाब से सेंटर पे लगा दो परिवार के नाम से। परंतु जिस किचन में सात्विकता नहीं है वहां बाबा को भोग नहीं लगेगा। लास्ट में प्रेरणादायक कहानी सुना करके खत्म करूंगी। आपने कृष्ण और सुदामा की बात सुनी होगी, चर्चे सुने होंगे, किससे सुने होंगे। एक किस्सा मैं सुनाती हूँ, आप सब वाकिफ होंगे पर उसमें से कुछ प्रेरणा ही होगी आपको। दोनों बाल सखा, दोनों ने एक गुरु से शिक्षा ली, एक गुरुकुल में रहे, एक गुरु माँ के हाथ का अन्न खाया, एक जैसे संस्कार प्राप्त किए। पर भाग्य की विडंबना देखिए, एक बन गए द्वारे का अधीश और एक महाकंगाल। ऐसी क्या गलती कर दी कि सुदामा ने जो कंगाली अपने नाम लिखवा लिया। एक बार गुरु मां ने कहा, दोनों लकड़ी चुनने जाते हो, ये चने ले जाओ, भूख लगे तो मिल बात के खा लेना। अब सुदामा तो एक पेटू टाइटू में भूख बहुत लग चुकी है, कृष्ण पहाड़ी पे कम खाते थे। जंगल में एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए। सुदामा ने जब कृष्ण की तरफ देखा तो वो आंख बंद करके ध्यान मगन थे। उसने सोचा, एक तो कम खाता है, ऊपर से सो भी गया। फिर उसने चने की पोटली खोली और सबसे बड़ी गलती कर दी, श्री कृष्ण का हिस्सा खा गया और कंगाली अपने नाम लिखवा दी। अटेंशन, अटेंशन देना से जो गलती सुदामा ने की, क्या वो गलती मैं तो नहीं कर रही? अगर ऊपर वाले ने मेरी थाली में दो रोटी बख्शी है तो एक टुकड़ा, एक निवाला उसका हिस्सा निकालने की ताकत नहीं मुझमें? उसने मेरे जेब में यदि 100 रुपये रखे हैं तो 50 पैसा, 1 रुपया श्रद्धा से उसका हिस्सा नहीं निकाल सकती मैं, नहीं निकाल सकती। उसका हिस्सा है ये, मुझे निकालना चाहिए। उसका तो छोड़ो, यदि यहां मैंने किसी का हक अधिकार मारा तो याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब विद पनिशमेंट एक का कई गुणा देना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता यहां, ये कर्म सिद्धांत है, सृष्टि गोल है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देर हो सकती है परंतु आज नहीं तो कल हिसाब देना ही होगा। इसीलिए भगवान का तो छोड़िए, किसी और का भी हक हिस्सा नहीं मानना। भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, इंसान का भी नहीं मानना, बिल्कुल नहीं। अब जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा मेरा बाल सखा, मेरा प्रिय मित्र इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रहा है छोटी सी भूल के कारण, तन ढकने को कपड़ा नहीं, सर ढकने को छत नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं, इतनी दयनीय स्थिति, उसे संकल्प भेजता है, मेरे से आके मिल तो सही, तू मेरे से मिल, मैं तेरी भूल ठीक कर दूं। ऊपर वाला भी अब यही निदान बना रहा है, मेरे बच्चे तुम कहां विश्व के राजे थे, कहां तुम कंगाल बन गए, एक बार तू मेरे से मिल तो सही, तेरी भूल ठीक कर दूं। श्री कृष्ण जाना तो चाहता है, लेकिन भारत की बहुत सुंदर परंपरा है, जब भी किसी के दरवाजे पर जाओ तो हाथ में कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। ध्यान रखिएगा, खाली हाथ केवल मृत्यु में जाया जाता है, केवल मृत्यु के टाइम आप खाली हाथ किसी के दरवाजे पर जा सकते हो। नहीं कुछ है तो थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा गुड़ अपने हाथ में लेकर फिर किसी के दरवाजे पर जाओ, बड़ा शुभ, बड़ा शगुन माना जाता है। खाली हाथ
खाली हाथ मत जाना, भले वो केले ले जाना, दो टॉफी ले जाना, चॉकलेट ले जाना, पर खाली हाथ एंट्री नहीं। पता नहीं आपके कदम में कितनी बरकत होगी कि उसके बिगड़े काम बन जाए। जब आप शगुन शुभ एंट्री करोगे किसी के दरवाजे में, तो भारत की प्राचीन कल्चर है कि किसी के दरवाजे पर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। अब सुदामा का तो प्रिय मित्र है कृष्ण, खाली हाथ जाऊं तो कैसे जाऊं? अपनी धर्मपत्नी को बोलते, धर्मपत्नी कहते ठहर रुको, कुछ तो होगा मेरी टूटी फूटी चौकड़ी में, मैं ढूंढती थी। बड़ा ढूंढने के बाद 3 मुट्ठी सड़े गले चावल मिलते हैं, कहती यही है सब कुछ। एक तरफ भूख से प्राण त्यागते बच्चे, एक तरफ 3 मुट्ठी चावल। धर्म संकट में पड़ा है सुदामा, क्या करूं? बच्चों को खिलाकर प्राण बचा लूं या फिर श्री कृष्ण के लिए ले जाऊं? पत्नी मार्गदर्शन करती है, स्वामी अगर आज आपने 3 मुट्ठी चावल खिला दिए तो पेट तो भी नहीं भरेगा, कल फिर वही स्थिति पैदा होगी। इससे बेहतर तो ये है कि आप कृष्णा के लिए ले जाओ। अपनी मैली कुचैली साड़ी का एक आंचल फाड़ कर देती है, उसमें चावल बांध देती है, ले जाओ। सुदामा उस सड़ी गली टोकरी को लेकर द्वारिका पहुंचते, फिर क्या होता है वो आप सबको पता है, जो शास्त्रों में लिखा भक्ति स्वागत। अब मुद्दे की बात होती है, स्वागत होने के बाद अब संध्या का वक्त है, पर सुदामा की किस्मत का सूरज उगने वाला है। टाइम संध्या का है पर किस्मत का सूरज अब उगने वाला है, भूलों की भरपाई होने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा इतने दिनों के बाद आया, खाली हाथ आया, विचार कीजिए। जिसका सिंहासन सोने का, जिसकी पूरी द्वारी का सोने की, उसे कुछ चाहिए? आज सोचना, विचार करना इस बात पर, जिसकी द्वारी का पूरे सोने की है, जिसका सिंहासन सोने का है, जो धन धान्य से संपन्न है, उसे कुछ चाहिए क्या? चाहिए कृष्ण को नहीं था, चाहिए था सुदामा को। ऊपर वाले को भी किसी का कुछ नहीं चाहिए, और हमारे पास है ही क्या जो हम उसे दे सकते हैं? वो त्रिलोकी नाथ, वो सृष्टि का रचयिता, अगर वो चाहे एक सेकंड में हीरो की बरसात कर सकता है पूरी सृष्टि पर। उसे किसी का कुछ नहीं चाहिए, परंतु चाहिए मुझे। करेगा तो पाएगा, यही उसकी कृपा है। कृपा का संधि विच्छेद कर लीजिए, क्या होता है? कर प्लस पा, कर ले और पा ले, बिना करे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कृपा चाहिए तो कर और पा मिल जाएगा। अब है तो सीधी पोटली, पर खाट बांट देकर, सोने की द्वारिका देकर, सोने का सिंहासन देकर, थोड़े से बिचारे संकोच में आ जाते, लज्जाने लगती है, कैसे छुपाने की कोशिश करते, बड़ा हक अधिकार दिखाते, उसका संकोच खत्म कर देते। कृष्ण कहते सुदामा अच्छा बचपन की आदत अभी तक है, अभी नहीं छुपा रहा मेरे से। ऊपर वाला भी आके संकोच खत्म कर देता है, तू जैसा भी है मेरा, जैसा भी है मेरा, मेरा मीठा बच्चा है, मेरा देवता बच्चा है, मेरा सिखदा बच्चा है। आते ही संकोच खत्म, दूरियां खत्म, आते ही क्या करता है? गले लगाता है। अब पोटली छीन लेता है सुदामा के हाथ से, और पहली मुट्ठी खा करके झूम करके बोलता है, जा सुदामा पहला लोक तेरे नाम। फिर दूसरी मुट्ठी खाता है, फिर कहता है जा दूसरा लोक भी तेरे नाम किया। अब तीसरी मुट्ठी भरता है तो पूरा देव मंडल नहीं जाता है, तो लोक को इसे क्या करने जा रहा है? इतने में उनकी धर्म पत्नी आके हाथ थामती, क्या कर रहे हो स्वामी? वो कहता है मुझे मत रोको। उसकी बारी खत्म हुई, अब बारी मेरी शुरू होती है। उसकी भूल की भरपाई
अब मैं पूरी करता हूं। भूल खत्म, भरपाई शुरू। जब भूल खत्म होती है तब क्या होता है? भरपाई होती है, और जब तक भूल रहती है भरपाई नहीं होती। तब वो कहते हैं कि देखो इसके घर में सारी ही संपत्ति तीन मुट्ठी चावल के केवल। वो चाहता तो अपने बच्चों को प्राण दे सकता था, खिला सकता था, लेकिन निसंकोच निस्वार्थ भाव से केवल स्नेह और भावना ही चावलों में भरकर ये मेरे द्वार पर ले आया। अब इसकी बारी खत्म, अब बारी मेरी शुरू हुई। जब इसने अपनी पूरी संपत्ति देने में संकोच नहीं किया तो अब बारी मेरी है। अब मेरे सहित मेरा जो कुछ है वो सब सुदामा का है। तेरे जाने से पहले मेरी द्वारिका की तरह तेरी नगरी भी कैसी हो जाएगी? ऊपर वाला भी कहते बच्चे एक बार तू दिल से कह दे मैं तेरा, बस एक बार दिल से कह दे मैं तेरा। और फिर देख मैं क्या करता हूं, मेरे सहित मेरा जो कुछ है तुझ पे बार दूंगा, तीनों लोग तुझ पे बार दूंगा, खुद तुझ पे कुर्बान हो जाऊंगा, बस एक बार तू दिल से तो कहते मैं तेरा। एक बार बुद्धि से समर्पित तो होते देख, कोई जंगल में जाने की बात नहीं, कोई आश्रम में रहने की बात नहीं, समाधि लेने की बात नहीं, तो खाली दिल से समर्पण हो जाए एक बार मेरे प्रति, फिर मेरा समर्पण देख मैं क्या करता हूं। प्रीत की रीत ही ऊपर वाला निभाता है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा खुश रहे मंडल में, जब तक ये भोग खाते रहे, भोग लगाते रहे, भोग में खत्म करके पुण्य आत्मा बन करके संसार से विदाई ले, ताकि भगवान भी बोले कि नीचे भेजा था तो निखलना नहीं आया, सृष्टि पर गया तो कुछ करके आया, पुण्यों की पूंजी जमा करके सर उठा के मेरे पास आया, सर झुका कर नहीं सर उठा कर जाएंगे। खाली हाथ नहीं, इस कहावत को बिल्कुल गलत सिद्ध कर देंगे कि खाली हाथ आए, हम ना तो खाली हाथ कभी आएंगे और ना कभी खाली हाथ, हम पुण्यों की दुआओं की दौलत से भरपूर होकर जाएंगे और भरपूर होकर बड़े सम्मान से बड़ी स्वाभिमान से वापस आएंगे, ठीक है ना।